बोले हैं शाम को आइए। ओ भैया रिंग पिस्टल डलवा लो। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना लिप भाई। तो गाइस आप लोग कैसे कमेंट करके बताना, उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग हम कुछ इस तरह के लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये व्लॉग हम मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हैं। आज का मौसम बहुत प्यारा है, धूप निकला हुआ है। आज का राइड गाइस सिटी राइड होने वाला है, तो आप ब्लॉग में पूरा बने रहना, थोड़ा भी स्किप मत करना गाइस। वीडियो को पूरा वॉच करा करिए, आप स्किप करके देखते हैं तो ऐसा मत करिए गाइस, ब्लॉग पूरा देखा करिए। तो अभी हम आ चुके हैं पिंक सिटी रोड पे। ये पिंक सिटी रोड है गाइस। तो गाइस जल्दी से आप लोग 1K करा दीजिए, बिकॉज सबर नहीं हो रहा है 1K के लिए। तो जल्दी से जाइए 1K कराइए, बहुत एक्साइटेड हूँ 1K के लिए। आप लोग बस सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जितने न्यू व्यूअर देख रहे हैं जल्दी से जाइए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बुलेट लवर्स कहाँ हो आप लोग। फाइनली हम आ चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे। ये रोड सीधा पुणे निकल जाएगा और हम अभी हैं पिंपरी चिंचोड़ में। आजकल सोलो राइड कर रहा हूँ गाइस, आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई पुणे से मोटो ब्लॉगर देख रहा है तो प्लीज़ मुझे मेल करिए। ओ भैया रिंग पिस्टल डलवा लो, कितना धुआं फेंक रही है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कुछ इस तरह के लोकेशन पे, आप देख सकते हैं। और आज का मौसम चेक करो गाइस, बहुत प्यारा मौसम है पुणे का। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो पता है आपको क्या करना है। और सामने है अपने सिग्नल, आई थिंक वो अभी बंद ही है, देख सकते हैं रेड लाइट लगा हुआ है। तो सिग्नल है ऑफ। सिटी राइड में यही प्रॉब्लम होता है गाइस, सिग्नल पे रुकना, ब्रेकर, हर चीज़ से प्रॉब्लम होता है। बट कोई नहीं, बस में से बच्चे कैसे रिएक्शन दे रहे, एकदम तगड़ा वाला। सिग्नल पे रुकते ही तगड़ा रिएक्शन मिलता है, सब अपने को ही देखते हैं। जब रिएक्शन मिलता है गाइस तो फुल मज़ा आता है। तो अपने आगे जा रहा है BMW, बिकॉज ये मेरा फेवरेट गाड़ी है। तो अभी हम आ चुके हैं फिर से वही अपने कोकने चौक। बट अपने भाई का राइडिंग पता ही है। ये अभी हम हैं पिंपले सौदागर में, बहुत प्यारा है पिंपले सौदागर, जिनको नहीं पता गूगल कर सकते हैं, हर मरीज का इलाज है गूगल। ये रोड सीधा पिंपरी गांव को कनेक्ट होता है। ये वाला ब्रिज बहुत पुराना हो चुका है गाइस, जस्ट इसके बाजू से ब्रिज बन रहा है, काम चालू है। और ये साइड में जाली लगा हुआ है ताकि इसके अंदर कोई कचड़े ना फेंके, बट फिर भी लोग ऊपर से डाल देते हैं, लोगों को समझना चाहिए। देख सकते हैं कितना लंबा टावर है। तो गाइस यहाँ से पूरा लगता है पिंपरी मार्केट, बट हम उधर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इस साइड, क्योंकि वहाँ पे बहुत तगड़ा ट्रैफिक मिलेगा अभी। हिमालयन वाला भाई रुक गया बस के वजह से, फंस गया तो वो अपने को ही लगा, देखने कैमरा देख के रुक गया वो भी। ये एकदम इंड मार्केट है, अभी यहाँ से तो पूरा अंदर गंदा ट्रैफिक मिलेगा, तो अभी हम नहीं जाएंगे उधर, हम निकल जाएंगे यहाँ से इस साइड बाहर बाहर। Thank you.
धूप में कैसे बैठे, अगर गिर जाएंगे ये तो क्या हाल होगा। क्यों करते ऐसे ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। ना जियो ना जीने दो, ना जाओ ना जाने दो, वही हाल है। पुणे की ट्रैफिक बहुत गंदा है गाइस, कभी कभी ट्रैफिक लगता है ना बहुत गंदा ट्रैफिक लगता है। बिकॉज अभी तो दोपहर का टाइम है तो कुछ नहीं है, कम है, बहुत कम है। शाम को तो इतना गंदा ट्रैफिक मिलता है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, और जितने न्यू व्यूअर देख रहे गाइस जल्दी से जाइए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पुणे वाले हमारे भाई सपोर्ट करो। बुलेट से इतना कट मारना पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली गाइस जा चुके हम कुछ इस तरह के लोकेशन पे, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा है। रोड बिकॉज आप रोड चेक करें कितना प्यारा रोड है अपने पुणे का। तो गाइस वो नंबर प्लेट का काम करवा लेते नहीं तो फाइन पड़ जाएगा अपने को। तो अभी चेक करते हैं भैया अपने हैं कि नहीं है, पूछते उनसे। तो गाइज देख सकते हैं अपने नंबर का वो साइज ले रहे हैं। तो गाइज भैया ने नाप ले लिया है, शाम तक बन जाएगा बिकॉज वो मशीन से कट कराना होता है तो पूरा मशीन से कटिंग होगा। तो बोले हैं शाम को आइए। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऐसे प्यार बरसाते रहो। बाय बाय।